ंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम दो या तीन दोस्त हो ना और सन्सेर और लॉयल हो लाइफ टाइम के लिए काफ़ी है सेकेंड ट्रुपथ अगर हम बात करें तो यस दुआ दुआ में बड़ी ताकत है और ये ताकत नज़र आती है दिखती है अगर आपको ईमान है अगर आपको यकीन काम में है तो आपके साथ मुजे होंगे और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है ये सच भी है हकीकत है कि दुआ तकदीर बदल देती है आपकी जो दुआ है ना वो अर्शिला देती है बस आपको सच्चे दिल से मांगना है और ये लाइफ का सबसे बड़ा ट्रुथ है थर्ड पर अगर हम बात करें तो एवरीबडी हैज़ गॉट लिमिटेड टाइम ऑन अर्थ हम सब के पास लिमिटेड टाइम है इस अर्थ पर कोई भी अपनी मौत से एक सेकेंड बाद नहीं मर सकता जब मौत लिखी है जिस वक्त लिखी है जो वक्त कबर में है या जिस वक्त हमें इस दुनिया से जाना है उस दिन चले जाना है फिर हमारे पास वो एक्सक्यूज़ uh, नहीं होगा कि हमें पाँच मिनट चाहिए दस मिनट चाहिए हमने फलान काम ख़त्म करना है नहीं टाइम इज़ अ कॉन्सेप्ट डेट ह्यूमन क्रिएटेड ये जो हमारी एज है ना इसका बुढ़ापे से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे दिल का ताल्लुक। है जब तक जिंदा दिल है ना हम हमारा दिल जिंदा है तब तक हम जवान हैं क्योंकि हमारा दिल जो है वो जीने की ख्वाहिश रखता है लेकिन अगर एक इंसान uh, एटीन ट्वेंटी टू ईयर्स में जो है मुर्दा दिल हो जाता है उसका दिल मुरझा जाता है उसका जीने को दिल नहीं चाहता तो उसे हम कहेंगे कि वो बूढ़ा हो गया तो ये जो लोग कहते हैं नाइन्टी का बूढ़ा है एटीन का यंग है तो यंग और मेरी नज़दीक बूढ़ा और यंग जो है वो कभी भी इस चीज़ से नहीं होता एज से नहीं होता इंसान इंसान दिल से होता है दिल अगर आपका ज़िंदा है तो एज जितनी मर्जी है आपकी आप जवान हैं और यू विल हैव समर्स नो मैटर वाट आप फ्रिजते भी बन जाए ना तो आपको बुरा कहने वाले मौजूद रहेंगे सो so, इस चीज़ पे तो ध्यान देना छोड़ ही दें कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं या आपने ऐसा क्या किया है आप कुछ भी ना करें ना लोग फिर भी बात करेंगे खुश नहीं होते सब लोग ख़ुश नहीं होते सो हेट हेट करने वाले फिर भी रहेंगे और हेट स्प्रेड करने वाले फिर भी रहेंगे आपके खिलाफ महास खड़ा करने वाले फिर भी रहेंगे यू कैन डू वॉट एवर यू वांट वन यू ग्रो अप सबसे बड़ा झूठ था सबसे बड़ा झूठ जिंदगी का कि जब आप बड़े होंगे आप जो दिल चाहे आप कर सकते हैं ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता बहुत सारी चीज़ें आपकी नहीं हो पाती हैं आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते वो ऑल नो दिस इज़ नाट ट्रू अगर एक इंसान रीड ही सही से नहीं कर सकता या वो ब्लाइंड है तो वो एक सक्सेसफुल राइटर कैसे बन सकता है और अगर एक इंसान की आवाज़ ही अच्छी नहीं है नेचुरल अच्छी आवाज़ नहीं है तो वो ग्रेट सिंगर कैसे बन सकता है सो so, कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी होती हैं जब हम बड़े होते हैं या जब हम जिंदगी में आगे आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सब के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ हैं और कुछ वीकनेस है ठीक है सबकी कुछ ख़ूबियाँ हैं कुछ खामियाँ हैं सो so बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते या हमसे नहीं हो सकती या वो हमारे लिए नहीं होती हैं वो किसी और के लिए होती हैं सो या फॉर

लोग तक बदल जाते हैं उनके इमोशंस बदल जाते हैं उनके आपके लिए देखने के अंदाज़ बदल जाते हैं आपके लिए सोचने के अंदाज़ बदल जाते हैं रिश्ते बदल जाते हैं हर चीज़ बदल जाती है चेंज जो है वो सबसे बिग ग्रोथ ऑफ लाइफ है सो so, लाए जो है वो यही है कि फॉर एवर uh, बुज़ुर्गों ने झूठ कहा था हमसे दोस्त मुश्किल में काम आते हैं सबसे बड़ा झूठ बिकॉज हेल्प अस डूरिंग टाइम्स ऑफ नीड टफ टाइम्स में हमें स्ट्रेंजर्स हेल्प कर देते हैं जिनको हम समझते हैं कि अजनबी थे बट अपने या वो दोस्त जिन्हें हम अपना समझते रहते हैं वो नहीं वो तो बहुत बहुत लकी लोग होते हैं जिनके साथ टफ़ टाइम में उनके फ्रेंड्स खड़े हों वरना सबसे पहले तो पी टी फ्रेंड्स ही दिखाते हैं जिन्हें आप सारी ज़िंदगी फ्रेंड्स समझते रहते हैं सो या बिग लाई ऑफ लाइफ हैप्पली एवर आफ्टर नो दिस इज़ अ लाइफ लाइफ इज़ फुल ऑफ़ कॉम्प्रोमाइज एंड सैक्रीफाइस ज़िंदगी आपसे कुर्बानियाँ लेती रहती है कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं एडजस्ट करना पड़ता है ऐसे कभी नहीं होता कि आपने हंसी खुशी पर ज़िंदगी गुजार दी या आप कहें कि ये गाम आखिरी गाम है नहीं जब तक आप कबर में नहीं पहुँच जाते ना कबर में भी एक अलग इम्तिहान शुरू हो जाएंगे लेकिन ज़िंदगी तो इम्तिहान का नाम है एक के बाद एक इम्तिहान आएगा एक के बाद एक आपके ऊपर जो है ना पहाड़ टूटेंगे और कभी कभी तो ऐसा लगता है गम का ये सफ़र है खुशियाँ जो हैं वो जस्ट ब्रेक देने आती हैं हमें मनी इज एवरी थिंग नहीं ये भी झूठ है पैसा सब कुछ है ये तो सबसे बड़ा झूठ जो हम बचपन से हर कोई समझता है कि पैसा ही सब कुछ है नहीं जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स है ना लाइफ में वो पैसों से नहीं आ सकती ठीक है जो चीज़ पैसों से ख़रीदी जा सकती है मेरे मेरे नज़दीक तो वो चीज़ सबसे सस्ती है क्योंकि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं पैसा आप लगाएं आप चीज़ ले लेंगे लेकिन जो चीज़ें पैसों से नहीं आ सकती ना वो बहुत कीमती हैं जैसे कि ट्रू लव ट्रू फ्रेंड्स किसी के दिल में आपके लिए एहसास आपके अपने रिश्ते सच्चे पक्के रिश्ते ट्रस्टेड पीपल ये चीज़ें आप पैसों से नहीं खरीद सकते सो स्टॉप सेइंग मनी इज़ एवरीथिंग नो मनी इज़ नॉट बिगेस्ट रेगरेट ऑफ माय लाइफ रॉन्ग पीपल पर ट्रस्ट गलत लोगों पे भरोसा आस्तीन के सांपों को पालना सबसे सबसे बड़ा पछतावा है इस चीज़ का मुझे के काले बिच्छुओं को जो है ना मैंने सेफ किया है प्रोटेक्ट किया है क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरे सगे हैं या वो मेरे साथ लॉयल हैं सिंसेअर हैं बट सिर्फ मुझे लगता था रियलिटी वाज डिफरेंट कि सबसे बड़ा पछतावा यही है कि गलत लोगों के साथ बहुत अच्छा कर दिया मैंने और वो डिज़र्व नहीं करते थे मेरी अच्छाई so yeah biggest regret of my life. You don't need to prove yourself to anyone. You don't need to explain. Mental peace ke के लिए ये बहुत ज़रूरी है जहाँ आपको अपनी सफाई देनी पड़ जाए ना या जहाँ आपको सबूत देने पड़ wahan वहाँ से दो कदम पीछे हट जाएँ कोई ज़रूरत नहीं है जस्टिफिकेशन देने की या कोई प्रूफ लेकर आने की क्योंकि जिसे बिलीव नहीं करना ना वो आपकी सारी की सारी ये जो आप चीज़ें मटेरियल लेकर आएंगे अपना आप साबित करने के लिए उन सबको रिजेक्ट कर देगा क्योंकि उसे बिलीव नहीं करना ठीक है और जिसे बिलीव करना है आप पर वो आंखें बंद करके करेगा उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसके सामने कोई सबूत दें या उसके सामने कुछ प्रूफ करें सो मिस्ट्री को अनसॉल्व रहने दें टाइम विल टेल एवरी थिंग भाई आपने जैसा सोच लिया हम वैसे ही हमें कोई जरूरत नहीं है कि अपना आप जो है ना आपके सामने क्लियर करें <laughs> खुशियाँ बताई नहीं जाती नजर लग जाती है लोगों की यू हैव ओनली वन चांस जस्ट वन डोंट वेस्ट इट जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है सिर्फ एक बार फिर से चांस नहीं मिलने वाला फिर से आप दुनिया में नहीं आने वाले जो भी आपको टाइम मिला हुआ है ज़िंदगी का इसे बहुत ही केयरफुली यूज़ करें क्योंकि इस टाइम का एक तो हिसाब देना है और दूसरा ये कि ये टाइम जस्ट एक ही बार मिला है आपको अगेन लाइफ नहीं मिलेगी अगेन चांस नहीं मिलेगा फजूल की लड़ाइयाँ छोड़ दें फजूल की जंगें लड़ना छोड़ दें फजूल की बातें करना छोड़ दें फजूल के पंगों में घुसना छोड़ दें फजूल की एक्टिविटीज़ छोड़ दें जिन चीज़ों में ना कुछ नहीं रखा ना उन चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें फजूल की बदगुमानियाँ छोड़ दें गलत फहमियाँ छोड़ दें एक दूसरे को गलत समझना छोड़ दें हेट स्प्रेड करना छोड़ दें नफ़रतें फैलाना छोड़ें ये लगाई बुझाई वाले काम छोड़ दें क्या रखा है इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट हो रहा है जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हो आप टाइम वेस्ट नहीं करो ये लाइफ है कि बार मिली है फिर नहीं मिलनी है तो जो मिली है उसे पॉजिटिविटी में गुजारो कुछ बन कर दिखाओ कुछ करके दिखाओ कि लोग आपको मरने के बाद भी सोच कर ये प्राउड कर सकें कि हाँ इस बंदे ने अपनी लाइफ को मिसाल बनाया है इब्रत नहीं बनाएं अपनी लाइफ को लोगों के लिए मिसाल बनाएं अपने पीछे आने वालों के लिए मिसाल बनाएं हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ के जाए एंड फाइट फॉर पीस नॉट फॉर पीपल अपना मेंटल पीस सबसे ज़्यादा ऊपर रखें क्योंकि जहनी सुकून जो है वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है इसको प्रोटेक्ट करें इसकी हिफाजत करें और जो भी चीज़ आपका मेंटल पीस ख़राब कर रही है उससे दूर रहें चाहे वो कुछ भी है चाहे वो कुछ भी है